हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल टिप्स विथ स्टडी में आपका स्वागत है। आज आपके लिए मैं फिर से एक नया जॉब अपडेट लेके आया हूँ जो कि कोल इंडिया की तरफ से है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मेरा लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये जॉब नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से है, जो कि आपको पता है मिनी रतन कंपनी है अपना कोल इंडिया। तो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 10/9/2018 से और क्लोज होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म 24/9/2018 से, और इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन आएगा ऑफिशियल वेबसाइट में 28/08/2018 को। आप चेक कर सकते हैं www.nclcil.in पर चेक कर सकते हैं आप। आपको मैं क्वालिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले डंफर ऑपरेटर, इसके लिए 12th पास रहना चाहिए और साथ में HMV लाइसेंस रहना चाहिए, हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस रहना चाहिए। इसका टोटल पोस्ट 213 है। और डोजर ऑपरेटर, इसके लिए भी 12th पास रहना चाहिए, साथ में लाइसेंस रहना चाहिए, इसके लिए टोटल पोस्ट 121 है। सरफेस माइनर के लिए, इसके लिए भी 12th पास रहना चाहिए और साथ में लाइसेंस रहना चाहिए, इसके लिए टोटल पोस्ट 28 है। पे लोडर ऑपरेटर, इसके लिए भी 12th पास रहना चाहिए, साथ में लाइसेंस भी रहना चाहिए, इसके लिए टोटल पोस्ट 21 है। क्रेन ऑपरेटर, इसके लिए भी 12th पास, साथ में लाइसेंस रहना चाहिए, इसके लिए 34 पोस्ट है। ग्रेड ऑपरेटर, इसके लिए 12th पास रहना चाहिए और साथ में लाइसेंस रहना चाहिए, इसके लिए पोस्ट 38 पोस्ट है। सॉवेल ऑपरेटर, इसके लिए भी 12th पास रहना चाहिए, साथ में लाइसेंस रहना चाहिए, इसके लिए 56 पोस्ट है। ड्रिल ऑपरेटर, इसके लिए सिर्फ 12th पास रहना चाहिए और इसका 48 पोस्ट है। ड्रैग लाइन ऑपरेटर, इसके लिए 12th पास और साथ में ITI रहना चाहिए, जो कि डीजल मैकेनिक या फिर मोटर मैकेनिक फिटर ट्रेड्स रहना चाहिए और साथ में HMV लाइसेंस रहना चाहिए। इसके लिए टोटल पोस्ट 60 है। फ्रेंड्स, इस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें एंड लाइक करना ना भूलें।